हम देख सकते हैं सी बी एस ई बोर्ड ने क्लास ट्वेल्थ के लिए सभी सब्जेक्टों के सैंपल क्वेश्चन पेपर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं ठीक है और उनकी मार्किंग स्कीम है वो भी अपलोड कर दी है आप किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ से देखना चाहें तो आप सैंपल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और उन्ी पर हिसाब से उनकी मार्किंग स्कीम देख सकते हैं ठीक है जैसे हम जो डिस्कस करते हैं आज हमारे लिए मैथ के ऊपर डिस्कस करते हैं ठीक है कि मैथ का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो क्या कह रहा है हमने पी फॉर्म में इसको ओपन किया ठीक है आप यहाँ से देख सकते हैं कि ट्रंप टू का सेकेंड क्वेश्चन पेपर आपके पास सिक्स क्वेश्चन वो क्या कर रहे हैं टू टू मार्क्स के दे रहे हैं ठीक है आपको लिख रहे हैं आप यहाँ से रीड कर सकते हैं इनको फर्स्ट पॉइंट में द क्वेश्चन पेपर कंटेंस थ्री सेक्शन ए बी सी ईच पार्ट इज कम्पल्सरी सेक्शन हैज सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ़ टू मार्क्स एंड सेक्शन बी हैज़ फोर शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ थ्री मार्क्स एंड सेक्शन सी हैज़ फोर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ फोर मार्क्स ठीक है एंड देर इज एन इंटरनल चॉइस इन सम ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्टीन इज केस बेस्ड प्रॉब्लम हैविंग टू सब पार्ट्स ऑफ टू मार्क्स अब इसी पर बेस्ड आप देख सकते हैं जो पहले छ क्वेश्चन हैं ठीक है वो टू टू मार्क्स के हैं इसके बीच में कोई इंटरनल च्वाइस नहीं है इट मींस ट्वेल्व मार्क्स ही हो जाते हैं आपके पास ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट फोर क्वेश्चन आपके पास सेक्शन बी के अंदर ठीक है ये आपके पास जो चार क्वेश्चन हैं ये थ्री थ्री मार्क्स के हैं इट मीनस ट्वेल्व मार्क्स के ये हो जाते हैं और इंटरनल चॉइस आप देख सकते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर एट के अंदर ठीक है क्वेश्चन नंबर एट के अंदर आपको इंटरनल चॉइस और दिया गया है और क्वेश्चन नंबर टेन में भी आपको इंटरनल चॉइस दी गई है मीन्स इसके अंदर आपके पास पता चलता है कि यहाँ किसी दो क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस आ सकती है मेनली <clears throat> जैसा पेपर सैंपल देता है वैसे ही करता है टू मार्क्स के भी एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपको इंटरनल चॉइस दी है मार्क्स और ट्वेल्व के दो सेक्शन हो गए आपके पास ठीक है और जैसे जानते हैं सेक्शन सी आपके पास है जो उसके अंदर फोर लॉन्ग क्वेश्चन है और फोर मार्क्स के हैं मीन्स फोर फोर जैसा जो सेक्शन सी है वो आपके पास सिक्सटीन मार्क्स का हो जाएगा इट मीन टी फोर प्लस सिक्सटीन फोर्टीन मार्क्स का आपका टोटल पेपर तैयार होगा अब इन पर आगे देखें सेक्शन सी के अंदर देखेंगे आपके पास फोर फोर मार्क्स के फोर क्वेश्चन हैं और जैसे कहा है कि क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपके पास के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर दो पार्ट्स दिए गए हैं जो टू टू मार्क्स के हैं मीन्स फोर मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है ये और इसके अंदर इंटरनल चॉइस के तौर पर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में दी गई है मींस इंटरनल चॉइस आप ये मान सकते हैं कि टू मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर वन इंटरनल चॉइस होगी और थ्री मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर दो इंटरनल चॉइस होंगी और फोर मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर एक इंटरनल चॉइस होगी और एक आपका केस स्टडी का क्वेश्चन होगा ठीक है क्लियर इस तरीके से आपने इनके इनकेसम्पल पेपर आपके पास ये तैयार आ गया और इसी में अगर हम मैथ की मार्किंग स्कीम के बारे में भी अगर हम देखना चाहें तो मार्किंग स्कीम्स के बारे में भी देख सकते हैं एम एस लिखा गया है मार्किंग स्कीम इस पर हम क्लिक करते हैं इसकी पी डी एफ को अगर हम डाउनलोड करें तो ये पूरे क्वेश्चन को इन्होंने सॉल्व करके आपको सोल्यूशन दिया हुआ है ठीक है और कैसे कैसे किस किस हिसाब से पेपर के मार्क्स आपको जो एग्जामिनर है आपके पेपर को चेक करेगा और कैसे आपको मार्क्स देगा वो सारा बताया गया है ठीक है यहां से आप इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए के अंदर आपके पास मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो दिया गया टू मार्क्स का इन्होंने बताया कि अगर आपने यहां तक स्टेप कंप्लीट कर दिए तो हाफ मार्क्स और यहां तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो वन मार्क्स आपके पास और ऐड हो जाएगा ठीक है वन प्लस वन एंड हाफ ऐड हो जाएगा आपके पास मीन्स टोटल टू मार्क्स बन जाएंगे और के अंदर जो क्वेश्चन है अगर आप यहां तक का पोर्शन कर देते हैं तो आपको वन मार्क्स मिलेगा मार्किंग करते हुए और अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टू मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है इस प्रकार से आप अपने सभी सब्जेक्टों की जो मार्किंग स्कीम है और जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसको आप चेक कर सकते हैं देख सकते हैं ये क्लास ट्वेल्थ के लिए है आप सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वे वेबसाइट पर जाएंगे वहां सैंपल क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे क्लियर Okay, thank you friends, thank you students.